और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर नेशन न्यूज में। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में अपराधी भी अब दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल चुनावों में वर्चस्व को लेकर अक्सर दो गुटों में हिंसक झड़प होती रहती है। इसी का एक नमूना बिहार के मोतिहारी में देखने को मिला। यहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या कर भागते एक अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना का आरोप स्थानीय लोगों ने वर्तमान मुखिया सुरेंद्र सिंह पर लगाया है। उनके मुताबिक चुनाव में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए मुखिया ने सुपारी देकर इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस वर्तमान मुखिया सुरेंद्र सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर लोगों से शांति की अपील की। फिलहाल इस घटना से तनाव की स्थिति बनी हुई है। 10:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि पवन कुमार गुप्ता, जो जिनकी खाद की यहाँ पे दुकान है मटेरिया बाजार में, और वो पैक्स के अध्यक्ष भी थे, उनको किसी ने गोली मार दी है। अनिल सहनी, जिसने गोली चलाया था, जो कि एक साथी अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसने बताया कि सुरेंद्र सिंह मुखिया उसके द्वारा हत्या करने के लिए पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोतिहारी से हमारे संवाददाता धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या इस तरीके से कर दी जाती है, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है सूबे में, क्या कुछ कार्रवाई अब तक पुलिस की तरफ से की गई, क्योंकि मौके पर लाठी चार्ज भी हुआ है, क्या कुछ अब तक कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में? जी, पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की हत्या के बाद में आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा जमकर पथराव किया गया है पुलिस के बीच में, और पुलिस के द्वारा स्थिति को शांति बनाए रखने के लिए लाठी भी भाजा गया है और हवाई फायर भी किया गया है। परंतु अभी जो स्थिति है वो एसपी मोतिहारी नवीनचंद झा के द्वारा माइकिंग किया जा रहा है, लोगों को शांत करने की अपील की जा रही है, परंतु यह जो भयावह स्थिति है ऐसा लगता नहीं है कि ये परिस्थिति इतनी जल्दी बदलने वाली है। जी धनंजय, लेकिन इस पूरे मामले में वर्तमान मुखिया जो हैं सुरेंद्र सिंह, उनका नाम सामने आ रहा है, ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया है और ऐसा कहा जा रहा है कि अपने वर्चस्व को बचाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया, सुपारी किलिंग की घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ इस पर पुलिस का कहना है? देखा जाए, इस हत्या में जो सुपारी किलर अनिल सहनी को जो यहाँ के स्थानीय दुकानदारों के द्वारा भागते हुए पकड़ा गया है और उसके बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है, उसमें पूछताछ के क्रम में अनिल सहनी अपराधी के द्वारा यह बताया गया है कि वर्तमान मुखिया मटियरिया के जो वर्तमान मुखिया हैं सुरेंद्र सिंह के द्वारा उन्हें पैसा दिया गया था कि पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की हत्या कर दी जाए। चूंकि जैसा कि यह मामला आया है कि पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता और सुरेंद्र सिंह के बीच में पंचायत चुनाव को लेकर पिछली बार भी विवाद हुआ था, जिसमें वर्तमान मुखिया सुरेंद्र सिंह की जीत हुई थी और पवन गुप्ता हार गए थे। बाद में पवन गुप्ता पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़कर विजय घोषित हुए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है 2021 में, वो भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में उभर कर आ रहे थे, जिसके कारण ये वर्तमान मुखिया को कहीं ना कहीं से ये डर बैठा था कि अगर पवन गुप्ता उम्मीदवार बनकर आते हैं तो उनकी जीत जो है वो हार में बदल जाएगी, इसीलिए ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। जी दीदी जी, एक आखिरी सवाल आपसे धनंजय, ये कि पूर्वी चंपारण जिले के अंदर तमाम ऐसे पंचायत है जहां पर, क्योंकि आगामी अब पंचायत चुनाव है, बहुत नजदीक भी है पंचायत चुनाव, इसको देखते हुए प्रशासन की क्या कुछ अब पहल इस पर की गई, क्योंकि इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है और आपसी रंजिश और अपने वर्चस्व को बचाने के लिए वर्तमान मुखिया ने इस पूरे घटना को अंजाम दे दिया है, तो अब पुलिस क्या कुछ, पूरे जिले में प्रशासन का अगला कदम होने वाला है इस पर? धनंजय, देखा जाए, ये तस्वीरों में भी इस घटना ने साफ तौर पे ये जाहिर कर दिया है कि आगामी जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें
कुल मिला जुला के ऐसी वारदातें होती रहेंगी और मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जो है इस हत्या से गुस्साए ग्रामीणों को देखकर अब इस जिले के जितने भी पंचायत के और जिलावासी हैं वो आगामी पंचायत चुनाव जो आने वाला है उसमें उन लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल बना हुआ है और यह चर्चा है कि क्या आगामी पंचायत चुनाव जब होगी तो क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा इस घटना पर नकेल कसा जाएगा या इसी तरह की वारदात होती रहेगी। फिलहाल इस संबंध में मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा जो जख्मी है और उनके एक अंगरक्षक जो जख्मी है और साथ ही डीएसपी और चार थाने के प्रभारी जो जख्मी हैं उनसे भी पूछताछ करने की हमने कोशिश की और जानना चाहा, मगर उन लोगों के द्वारा इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ऐसा साफ जाहिर होता है कि शायद इस तरह की वारदातें होगी और पुलिस इस पर नकेल कसने में संभवतः विफल रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनंजय। तो एक बार फिर से बता दिए, पूरा मामला मोतिहारी का था जहां पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि वर्तमान मुखिया सुरेंद्र सिंह ने इस पूरे घटना को अंजाम दिलवाया है। सुपारी किलिंग का यह पूरा मामला है।